नमस्कार साथियों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। तो आज बात करते हैं हम कि प्रोफाइल पेज बनाते ही उस पर मोनेटाइजेशन इशू आ जाता है या रजिस्टर्ड मोनेटाइजेशन आ जाता है। इस तरह आपको जो आपका पेज है मोनेटाइजेशन का वो देखने को मिलेगा, पेज नॉट इलीगल। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। तो चलते हैं हम अपने क्रोम ब्राउजर पर। क्रोम ब्राउजर पर चलने के बाद में क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हम फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो। फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो लिखने के बाद में उसे के सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपके सामने गले सारे ऑप्शन होंगे, तो आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, क्रिएटर स्टूडियो फेसबुक। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं अपना जो पेज है वो खुलकर आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपने अपना पेज अगर नहीं आता है तो उसे सिंग इन कर लें इसमें अपनी प्रोफाइल को। तो ये देखो मेरा पेज है, ये आ चुका है। तो फिर हम चलते हैं जो आपके सामने ऊपर की तरफ जो प्लस वाला आइकन है उस पर क्लिक करना है आपको। प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर सर्च करना है आपको फेसबुक ब्रांडेड कॉन्टैक्ट। फेसबुक ब्रांडेड कॉन्टैक्ट, फेसबुक ब्रांडेड कॉन्टैक्ट सर्च करने के बाद आपके सामने एक नई पेज ओपन होगा। नई पेज ओपन होने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा। तो आपको ध्यान से बिना स्किप किए एक एक बात को समझना है, वरना आप नहीं करवाएंगे। और 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपका इशू एक बार भर जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो ये दिख रहा है ब्रांडेड कॉन्टैक्ट मेटा फॉर मीडिया फेसबुक, इस पर आपको क्लिक नहीं करना किसी भी हालत में। आप इस पर गलती से भी क्लिक मत कर देना। तो आपको क्या करना है, नीचे की तरफ ब्रांडेड कॉन्टैक्ट मेटा फॉर क्रिएटर्स, इस पर आपको क्लिक करना है। इस ब्रांडेड कॉन्टैक्ट मेटा फॉर क्रिएटर्स पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक जैसे ही क्लिक करते हैं आप ब्रांडेड कॉन्टैक्ट पेज खुलकर आ जाएगा। तो नीचे की तरफ हम स्क्रॉल करते हैं। स्क्रॉल करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रांडेड कॉन्टैक्ट टूल। तो यहाँ पर एक ब्रांडेड कॉन्टैक्ट टूल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपका जो पेज है उस पेज को यहाँ से क्या करेंगे, पेज सेलेक्ट, जिस पेज पर हमें जो इशू आया है उस पेज को हम सेलेक्ट करके यहाँ पर सेंड कर देंगे। सेंड करने के बाद में क्या करेंगे, आपके सामने एक मैसेज आएगा। मैसेज को आपको क्या कर देना है, ओके कर देना है। मैसेज को ओके करने के बाद में आप को अपनी प्रोफाइल पर ले जाएगा। तो आपको अपनी प्रोफाइल पर जाना है। प्रोफाइल पर जाने के बाद आपको फिर से ये देखो ये प्रोफाइल है। तो आपको क्या करना है, प्रोफाइल से फिर बैक आना है। तो आप बैक आएंगे और बैक आकर के आपको दोबारा अपनी प्रोफाइल खोल लेनी है। प्रोफाइल खोलने के बाद में अब चलते हैं, हम देखते हैं जो इसका पेज स्टेटस की हटा है कि नहीं हटा। तो देखो जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनेबल टू मोनोटाइजेशन पहले आ रहा था, यहाँ पर लिखा रजिस्टर्ड मोनोटाइजेशन और उसका जो इशू है आप बगल में देख रहे हैं मोनोटाइजेशन इशू। इस प्रकार से यही पेज है इस प्रकार से आ रहा था। तो अब ये पूर्ण तरह हट गया है। तो यहाँ पर जितने भी टूल हैं वो खुलकर आ चुके हैं। स्टार है, सब्सक्रिप्शन है, इनस्ट्रीम एड्स है, लैब एड्स है, ये सभी जो टूल्स हैं सारे अब आ चुके हैं। तो अब आप अपने पेज पर वर्क कंटिन्यूस कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।